नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लगाना पड़ा कोरोना कर्फ्यू। आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा रीवा। कलेक्ट्रेट परिसर में भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। अनुसूचित जाति के लोगों पर टीएमसी नेता सुजाता मंडल खान द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। समाचार अब विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में आज जिला क्राइसिस समिति के द्वारा आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रीवा जिले में 11 दिनों तक लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत जिले की तमाम दुकानें बंद रहेंगी तथा आवश्यक सामग्रियों पर छूट दी गई है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला व समस्त विधायकगण, सामाजिक संगठन एवं व्यापारियों ने जताई सहमति। बैठक में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एसपी राकेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर गंभीरता जताते हुए कहा कि लॉकडाउन का निर्णय जिला प्रशासन को सौंप देना चाहिए। इसके साथ ही लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने की भी जरूरत है। लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है, परंतु वर्तमान के समय को देखते हुए ये जरूरी भी है। हम आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश में शनिवार और रविवार दो दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके बाद अधिकांश जिलों में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है, जिसके तहत अब रीवा में भी आज से कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है तथा आज रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए रीवा की समस्त दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान आवश्यक सामग्रियों पर छूट दी गई है। दरअसल रीवा में विगत एक सप्ताह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है तथा तीन दिनों में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 500 के पार पहुंच गया, जिसके कारण आज जिला क्राइसिस समिति के द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में समूचे रीवा को 11 दिनों तक के लिए लॉक रखने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कलेक्टर इलैयाराजा टी द्वारा बताया गया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन बिंदुओं पर रहेगी छूट, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, दूध, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, जबकि किराना एवं रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं फल एवं सब्जी की दुकानें करहिया मंडी में दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी, जिसके बाद सब्जी के ठेले पर ही सब्जी घर घर बिक्री की सुविधा दी जाएगी। आवश्यक सामग्रियों की होम डिलीवरी नगर निगम द्वारा की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय पर शादी विवाह में सिर्फ 20-20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रस्तुत है झलकी सहित विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से बातचीत के अंश। शहर के भीतर यदि हम पूरी तरह से 100% लॉकडाउन कर देंगे, जो मैंने समस्या बताई है, जनार्दन जी भी कह रहे हैं कि हमको फोर्स भी चाहिए। अभी फोर्स चली गई, चुनाव के भीतर चुनाव हो रहे हैं वहाँ चली गई है, फोर्स भी हमारे पास नहीं है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि जिला प्रशासन को पूरा तरह छोड़ना चाहिए इस सुझाव के साथ कि कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करें। इसमें सर ये एग्जम्पशन रहेगा, अन्य राज्य और जिले से माल सेवा का आवागमन, कोई भी गाड़ी नहीं रोका जाएगा, कोई भी ना माल गाड़ी आती है, सामान आती है, सारे गाड़ी अवेलेबल रखना रहेगा। अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनी, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं हैं, सभी लोगों को पता है वो खुला रहेगा। केमिस्ट, किराना दुकानें सिर्फ होम डिलीवरी के लिए है, नगर निगम के माध्यम से हम लोग होम डिलीवरी करेंगे। सो कितने भी व्यापारी से वो रजिस्टर कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, सो नगर निगम उनके माध्यम से हम सोशल मीडिया में इसका वायरल कराएंगे। सो अगर कि कोई भी व्यक्ति किराना दुकान अपना होम में चाहता है, घर पे चाहता है, तो उनके लिए ये अवेलेबल रहेगा। पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, फल सब्जी की दुकानें, सर जैसे करहिया मंडी है उसमें होलसेल है ना होती है, वो 12 बजे तक है ना खुला रहेगा। उसके बाद सब्जी का ठेला है ना हम लोग है ना दिन भर अलाउ करेंगे। सो कोई भी है ना मोहम्मद है हम लोग है ना प्रतिबंध से मुक्त रखेंगे। जैसे मैंने कहा सर, होम डिलीवरी या अदर चीज भी है, डोमिनोज है या फूड ऑर्डर करना है, किराना दुकान ऑर्डर, कितने भी लोग होम डिलीवरी करना चाहते हैं वो हम लोग चालू रखेंगे। उद्योगिक इकाई है, उद्योगिक मजदूर,
उनका कच्चा तैयार माल का सब उनके सारे कर्मचारी हैं वो सारे लोग इधर सर आवागमन कर सकेंगे, सारे इंडस्ट्रीज खुला रहेगा, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड टेलीकम्युनिकेशन के ना सेवाएं हैं, गैस होम डिलीवरी की सेवाएं हैं, ये सारे मतलब दूध एकत्रीकरण मतलब मेरा मिल्क वगैरह कलेक्शन उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे ना खुला रहेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खुला रहेगा, रेशन दुकानें ना कोई भी व्यक्ति ना जा सकता है रेशन ले सकता है, केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग शासकीय कार्य से मतलब कोई भी जाता है मतलब उनके लिए आवागमन रहेगा, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर कारपेंटर जब दुकान से नहीं बट है ना कोई भी घर पे सेवा देना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली उनको हम अलाउ करेंगे, किसी के घर में कोई कारपेंटिंग होना है इलेक्ट्रीशियन का काम होना है वो लोग है ना बुला सकते हैं उनको, कंस्ट्रक्शन गतिविधि यदि मजदूर है ना कंस्ट्रक्शन कैंपस और परिसर में है तो वो सारे चालू रहेगा, इवन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी एक बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रही है या कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो मजदूर है ना उसी कैंपस में है ऑलरेडी ना उस कैंप में है तो वो अपना गतिविधि ना कर सकते बिकॉज वो बाहर आएगा ही नहीं है, कृषि संबंधित सेवाएं हैं जैसे कृषि उपज मंडी उपार्जन केंद्र खाद बीज की कीटनाशक दवाएं मतलब किसान की क्या क्या चीज़ें आवश्यकता है वो सारी है ना दुकानें मतलब है ना खुले रहेगा, परीक्षा केंद्र कुछ परीक्षाएं सर अभी है ना प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी हैं सो टीचर्स और स्टूडेंट्स उनके लिए मतलब अलाउड रहेगा, टीकाकरण के लिए अभी हम लोग लगातार मोबिलाइज कर रहे हैं इसलिए हमारे टीकाकरण सेंटर्स में कितने भी लोग मोबिलाइज होंगे मतलब उन सभी का अवेलेबल रहेगा, उपार्जन कार्य का है ना पूरा चल रही है उनके कर्मचारी किसान सभी लोग है ना मतलब है ना आ सकते हैं जा सकते हैं, जैसे कि सर अभी पता है कि रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सब खुलाई है सो उनकी जब आते हैं तो ये थोड़ा कंट्रोल्ड वे में हम लोग करेंगे कि ऐसे भी ना हो कि मतलब सारे लोग आके ना मतलब बीमार ना लगा दे कि कंट्रोल्ड वे में पब्लिक है ना कन्वीनियंट फैसिलिटी अवेलेबल रहे उसको हम अलाउ करेंगे, सर कोई आईटी कंपनी ये जनरली यहाँ भी छोटी छोटी हो सकता है इसका मतलब ये नहीं है मोबाइल दुकान नहीं खुलेगा, ऐसे कोई कंपनी है उनका कोई है ना कर्मचारी को आगमन है तो उनके लिए अलाउड रहेगा, अखबार वितरण अधिमान्यता है ना प्राप्त पत्रिका सभी मीडिया का साथीगण और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन वो सारे सर अवेलेबल रहेगा, सर एक होटल भी था उसका है ना मतलब ऊपर से आया है कि मतलब है ना जो इनकमिंग है कोई सिर्फ है ना अंदर ही अंदर है ना रास्ता है फिर है ना सर वो है ना अवेलेबल रह सकता है बट वो खुला नहीं सकता है वो जब वो जब कोई आ रहा है मतलब है ना उसको रुकना चाहता है क्वारंटाइन होना चाहता है 7 दिन का अपने आप में उनके यहाँ कोई फैसिलिटीज नहीं है तो उनके लिए होटल रूम से ना खुलने के लिए अवेलेबल है ना अलाउ करेंगे, हम लोग 20 लोगों का सीमित है ना रूप से प्रेयर इंटीमेशन ताना का है ना मतलब है ना कर्फ्यू पीरियड में सारे पीरियड में भी तो है ना प्रेयर इंटीमेशन इंपॉर्टेंट ही है कि मतलब आपको ताना को सूचना देना है अनुमति लेने की जरूरत नहीं है सूचना देना है फिर आप 20 की मात्रा में कर सकते हैं ज़्यादा मूवमेंट ना हो, कोरोना कर्फ्यू का डेफिनेटली कोरोना कर्फ्यू जैसे कदम होगा तो फिर वापस है ना हम लोग रिटर्न नॉर्मल लाइफ में आएंगे केसेस रहेगा कर्फ्यू के दौरान भी केसेस रहेगी बिकॉज हमारी इन्फेक्शन है ना मतलब है ना जैसे मान लीजिए 15 दिन का है और अंदर अंदर भी है ना चलेगी परिवार के बीच में तो हमेशा रहेगी जब हम लोग बाहर आएंगे तब भी है ना मतलब केसेस रहेगी, सिर्फ कोरोना कर्फ्यू उसमें राहत देगी कि बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स ना कम हो जाएगी मान लीजिए 70%, उसी हिसाब से मतलब हमारी है ना सीरियस केसेस है ना हॉस्पिटल में आने के लिए ना कम हो जाएगी सो देन हम हॉस्पिटल की व्यवस्था है ना और बेहतर है ना ढंग से ना एक स्लो हो जाए स्लो डाउन होगा, अदरवाइज सभी को बताया मतलब 100% चेन तोड़ना इसलिए मतलब ये आपने बताकर ये ना बोले कि मतलब सर कर्फ्यू हो गया उसके बाद है ना पूरा 100% ये हो गया बट डेफिनेटली स्लो डाउन होगा। कल 15 तारीख से सुबह से कोरोना कर्फ्यू 23 तक लगाए और सैटरडे संडे को यहाँ पे प्रदेश स्तरीय जो बंद रहता है कोरोना कर्फ्यू वो रहेगा, यहाँ पर जिला आपदा प्रबंधन समिति ने 23 तक का फैसला किया कोरोना कर्फ्यू। जैसे कि प्रवासी मजदूर भी धीरे धीरे आ रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की? सारी व्यवस्थाएं की गई उसमें कोरोना कर्फ्यू के भीतर गाइडलाइंस है वो आपको मिल जाएगा क्या क्या हमने छूट दे के रखी है, ट्रेन से आने वालों को पैसेंजर्स को आने वालों को तमाम दूध की सप्लाई का ठेला की सप्लाई का वो सारा का सारा व्यवस्था की गई है और पूरी तरह से जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है एक संबंध में वो देख लें और क्या सहूलियत दे सकते हैं और क्या सुविधा दे सकते हैं ये पूरा जिला प्रशासन के पक्ष में है। लॉकडाउन नहीं किया अभी कोरोना कर्फ्यू लगाया 23 तक जिला स्तर से 23 तक के लिए कोरोना कर्फ्यू।
भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। विधानसभा अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने किया याद। आपको बता दें कि आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। देश 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब की 130वीं जयंती मना रहा है। इस मौके पर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम के द्वारा बाबा साहब की जयंती पर उनकी प्रतिमा में पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात जिला क्राइसिस समिति के द्वारा आयोजित आपदा प्रबंधन की बैठक में विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, मनगवा विधायक पंचूलाल प्रजापति, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, जोधर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह एवं भाजपा प्रदेश मंत्री राजेश पांडे, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा एवं एडीएम इला तिवारी सहित अन्य सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। नीचे रखेंगे चेहरा दिख जाएगा। अच्छा नीचे रख दीजिए। नीचे रखे चेहरा लग जाएगा। हमारे भाई पास रूख लगाओ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल खान द्वारा पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों पर अपमानजनक की गई टिप्पणी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम से कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। हम आपको बता दें कि इन दिनों पश्चिम बंगाल में चुनावी दौर चल रहा है, जहां राजनीतिक पार्टियां लगातार बयानबाजी कर रही हैं। ऐसा ही एक बयान पश्चिम बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल खान का आया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विरोध जताया।
दरअसल उन्होंने बयान में अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को लेकर अत्यंत अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि भिखारी स्वभाव के होते हैं या अभाव से। पश्चिम बंगाल में एससी स्वभाव से भिखारी हैं, ममता दीदी के इतना करने के बाद भी बीजेपी के पास पहुंच गए। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को भिखारी कहकर अपमानित करने वाला अपमानित करने वाली तृणमूल कांग्रेस की नेता का यह बयान घोर आपत्तिजनक है, यह निंदनीय है। पश्चिम बंगाल के सभी अनुसूचित जाति के लोगों को इरादतन अपमानित करने वाला है। ऐसे नेता व पार्टी के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। प्रस्तुत है इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। आज का ज्ञापन दिया गया है, अभी कुछ दिन पूर्व पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर तृणमूल कांग्रेस की नेता सुजाता मंडल खान के द्वारा जो हमारे एससी एसटी वर्ग के भाई बहन हैं, उनको जिस तरह से भिखारी कह के संबोधित किया, या निश्चित तौर पर आज आजादी के 70 वर्षों के बाद उनकी मानसिकता का द्योतक है। और भारतीय जनता पार्टी इसे अपने एससी एसटी भाई बहनों का घोर अपमान समझती है कि आज 21वीं सदी में भी हम उन्हें भिखारी, और यह त्रिमूल की मानसिकता का द्योतक है। हमने राष्ट्रपति को नाम ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंपा है, और राष्ट्रपति महोदय से भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि तथाकथित इस तरह की नेताओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, बल्कि इस तरह की पूरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाए कि जिससे कि इन लोगों के अपमान को बचाया जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर से कोरोना की वास्तविकता जानने के लिए पहुंचे पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की और ये सुझाव दिया कि यदि कोविड किसी को हो जाए तो उन्हें डराने का प्रयास न किया जाए, उनका उत्साहवर्धन करें, उनका प्रॉपर एक्सरे कराएं। वहीं पूर्व विधायक द्वारा आरोप लगाते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो बाहर की दवाई दें। उन्होंने कहा कि चूंकि सरकारी दवाई नकली आ रही है, और वहीं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर इंदुलकर ने बन्ना जी की बात को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक सुखेन सिंह बन्ना द्वारा मीडिया को दी गई जानकारी। लगा कि अरे यहाँ ये नहीं हो रहा है, तू निकल जाता था, वो नहीं निकलता, वहाँ बेड ही नहीं था। आज तो बनारस से इलाहाबाद आज मैं संजय गांधी अस्पताल डीन से मिलने इसलिए गया था, वैसे तो मैं सदैव अस्पताल जाता हूँ पेशेंटों से मिलने, अस्पताल में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन जो 4-6 दिनों से फ़ोन के माध्यम से और वहाँ की जो तड़पड़ाहट मरीजों की फ़ोन से आई या उनके परिजनों की आई कि कोरोना में जो पेशेंट एडमिट हैं उनको समुचित इलाज नहीं मिल रहा है, ये वो, इन सब बातों को लेकर के मुझे ऐसा लगा कि मुझे डीन से बात करनी चाहिए। मैं डीन से गया, उनसे बात किया कि भाई ये स्थितियाँ कि मतलब कोरोना में किसी को गैस ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो दवा नहीं मिल पा रही है, नहीं लग पा रही है, और उधर उनका एक्सरे नहीं हो पा रहा है, और कोई समुचित वहाँ पर जाकर के वो नहीं हो रहा है। इन सब मुद्दों पर हमारी उनसे विधिवत चर्चा हुई, और उनको मैंने सुझाव भी दिए कि आप जितने पेशेंट हैं आप खुद मॉनिटरिंग करें जाकर के सुबह और शाम, और जिनका एक्सरे ना हुआ बिना एक्सरे का किसी पेशेंट को एडमिट करें, एक्सरे उनको करवाएं, और उनको उपलब्ध और भी जो सुविधाएं, खास करके मरीजों को उत्साहवर्धन कि कोरोना एक भयावह बीमारी न बता करके एक जिस तरीके से आम पेशेंट एडमिट होता है उस तरीके से आप उनसे ट्रीट करें। और मेरा आपके माध्यम से मरीजों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, पिछले वर्ष भी कोरोना आया था, इस वर्ष भी है, लेकिन जिस तरीके से हतोत्साहित लोग हो रहे हैं बड़ी इसकी स्थिति खराब है, तो हमारा आप सबसे के माध्यम से अपील है कि लोग हड़बड़ाएँ नहीं, और स्वयं मरीज अगर अपना स्वयं एक्सरे करा करके अस्पताल पहुंचेंगे तो और ज़्यादा ठीक रहेगा। और बाकी इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई, और इंदुलकर ने सुझाव को स्वीकार भी किया है, तत्काल उन्होंने आर्डर भी दिया कि हम उत्साहवर्धन के लिए और मरीजों के एक्सरे के लिए मैंने किया। एक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने उनको मैं भी दिया कि जो अस्पताल की दवाएँ वो कारगर नहीं है तो आप
जो बाहर मेडिकल स्टोर में है वो दवा जरूर करने में कंजूसी ना करें। अगर वो दवाई बाहर से मंगा करके जो मरीज कर रहे हैं उनको लाभ मिल रहा है, इसलिए मैंने उनको ये बात का विशेष सुझाव दिया है। आज आपदा प्रबंधन बिल्कुल केस बढ़ेंगे जब इसका कोई समुचित लाभ, मैं इसीलिए तो आज डीन ऑफिस में गया कि वहाँ की स्थितियाँ क्या है, क्या कारण है कि इस तरीके की बातें, लेकिन वहाँ पर कोई इलाज तरीके का हो ही नहीं रहा है, जाँच किस तरीके की, ना कोई गैस की व्यवस्था ना कोई वो, इसी मुद्दे पर तो लेकर के आज हम गए थे वहाँ पर। शासन प्रशासन पूरा रुकने का नाम नहीं ले रहा कोरोना का संक्रमण, लोगों की लापरवाही के चलते एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 954, अकेले रीवा शहर में ही मिले 105 कोरोना संक्रमित, जबकि पूरे जिले में मिले 211 संक्रमित मरीज। हम आपको बता दें कि दिन दुगना और रात चौगुना गति से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के चलते आखिरकार जिला आपदा प्रबंधन एवं अधिकारियों की बैठक में लेना पड़ा लॉकडाउन का निर्णय। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने दिखाई शक्ति। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं SP राकेश सिंह के द्वारा आज शाम को बाजार भ्रमण के दौरान दर्जनों दुकानों पर सख्ती की गई। आपको बता दें कि लगातार कई दिनों से प्रशासनिक एवं पुलिस अमला लोगों से मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को लेकर अपील कर रहा था, परंतु लापरवाह व्यापारी इसको नजरअंदाज करते हुए धड़ल्ले से व्यापार करने में मगन थे। इसी दौरान आज प्रशासन एवं पुलिस अमले द्वारा सख्ती से निपटते हुए कई दुकानों को सीज कर चालानी कार्यवाही की गई। हम आपको बता दें कि कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी एवं SP राकेश कुमार सिंह के द्वारा मंगलवार की शाम बाजार के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वाले व्यापारियों पर जुर्माना की कार्यवाही की गई। फोर्ट रोड, धोबिया टंकी, शिल्पी प्लाजा आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया एवं दर्जन भर व्यापारियों पर जुर्माने की कार्यवाही करते हुए हिदायत दी गई। निरीक्षण के दौरान साथ में ट्रैफिक DSP मनोज वर्मा, CSP SN प्रसाद, कोतवाली TI आदित्य प्रताप सिंह और उनके साथ उनका पूरा अमला शामिल रहा। गौरतलब है कि दोपहर में तहसीलदार RP त्रिपाठी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने फोर्ट रोड, गुड़ाई बाजार आदि का भ्रमण कर 20 दुकानदारों पर चालानी कार्यवाही की। इस संबंध में प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। कितनी बार भी इनका चालानी, दुकान बनाओ, अंदर तुम्हारा सर, ये चाय अभी मैंने उतारा ही है। तो चाय पी लो, मोबाइल बाद में लगा ले। जी सर, चाय तो चाय लगा रहे फोन। देखो ये कार्रवाई, आप समझ रहे हैं कि कोरोना में बार बार पहले से भी बोलता रहा हूँ कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो लोगों के आत्म अनुशासन से सबसे बेहतर तरीके से रोका जा रहा है। और प्रशासन पिछले एक साल से जनता कर्फ्यू के साथ ही लोगों को इस बात की समझाइश दे रहा है कि आत्म अनुशासन करिए, कोरोना नहीं होगा, लेकिन लापरवाही की हद हो गई कि यहाँ पर कोरोना के केस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। 200 के आसपास हम केस पे पहुंच गए, फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो आज पुनः हम लोग उसी तरीके से लोगों को समझाने दिखे, लोग नहीं समझेंगे, हमें अंतिम विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। लेकिन लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया 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 मास्क लगाएं,
एक शारीरिक दूरी का पालन करें, दो गज की दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, नहीं तो हम बात जाऊंगे आपके खिलाफ गंभीर से गंभीर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने। नहीं बड़ी कार्रवाई, आज हमने 1000 रुपए जुर्माने किए, कुछ दुकानें कलेक्टर साहब ने बंद कराई, मेडिकल स्टोर बंद कराया मैंने, इसके अलावा कलेक्टर साहब ने पेट्रोल पंप बंद कराया, तमाम कार्रवाइयाँ करी, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं, लोग हैं कि मानते नहीं हैं, और बहुत सीमित संख्या में लोग हैं, और सीमित संख्या वाले लोग ही जो है समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। तो मेरा अभी तो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसको तय करेगी, लेकिन ये चीज़ गलत है और रीवा के लोगों को समझना चाहिए कि प्रशासन जो इतनी मेहनत कर रहा है, हम सड़क के पैदल चल रहे हैं, तो हम अपने लिए नहीं चल रहे हैं, हम तो पूरी तरह से पालन कर ही रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल का, लेकिन वो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनका पालन ना करना ही घातक है। तो कृपया करके उन लोगों को समझना चाहिए कि हम आपके लिए परेशान हैं, आप अपने शहर की चिंता करिए, अपने परिवार की चिंता करिए, अपने ज़िले की चिंता करिए, तो प्रदेश में अच्छा माहौल बनेगा। रीवा ने हमेशा अच्छा माहौल दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि रीवा की जागरूक जनता इस मामले में सहयोग करे। आज के समाचारों में बस इतना ही, कल हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।